हेलो एवरीबॉडी, मायसेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर, और आज आपको मैं बताऊंगी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो चलिए सबसे पहले जाने कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, जीएसटी से पहले की अवस्था थी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया या एकत्रित किया जा सकता था जब तक कि उसे अधिकार ना दिया जाए। तो संविधान द्वारा आर्टिकल 246 के तहत कानून बनाने और शुल्क लगाने का अधिकार उसे दे दिया गया। तो आर्टिकल 246 के अनुसार कानून संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है यदि ऐसी शक्ति भारत के संविधान द्वारा दी गई हो। तो आप देख लेंगे बिल्कुल लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो टैक्स ऑफ एनी नेचर कैन बी लीव्ड और कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जब तक विधि के अनुसार ही केवल क्या किया जा सकता है, टैक्स को इम्पोज किया जा सकता था। तो यही पावर क्या है, सच पावर इज गिवन बाय आर्टिकल 246 इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द फॉलोइंग लिस्ट। देखिए, 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में भारत के संविधान में तीन तरीके की लिस्टें बताई गई, लिस्ट 1, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो आपको फटाफट मैं बताती चलती हूँ कि यूनियन लिस्ट में क्या दिया हुआ है। अंडर लिस्ट 1 द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस। देखिए, लिस्ट 1 में बता दिया गया कि संसद को कानून बनाने की विशेष शक्ति शामिल है जिसमें लेवी के लिए भी कानून होते हैं। तो लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट दी गई है और स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर इंट्रीम्यूनेटेड इन दैट लिस्ट। तो देखिए, यूनियन 2 में किसी भी राज्य की विधायिका सूची में उल्लिखित मामले प्रविष्टि के संबंध में ऐसे राज्य या किसी उसके हिस्से के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति दी गई है। थर्ड लिस्ट है कनकरेंट लिस्ट, और कनकरेंट लिस्ट में भी डायरेक्टली लिखा हुआ है कि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को उस सूची में उल्लिखित मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो देखिए, संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो राज्य में शामिल नहीं है। इसके बावजूद भी ऐसा मामला जो राज्य सूची में सूचीबद्ध है, दूसरे शब्दों में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद को कानून बनाने की विशेष शक्ति होगी भले ही वो मामला राज्य सूची में शामिल हो। तो आप समझ गए होंगे, दो तरीके के टैक्स बताए गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। और उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बाद में भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों टैक्सों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इमीडिएट इफेक्ट और अल्टीमेट इफेक्ट। तो तत्काल प्रभाव, तत्काल प्रभाव का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है और ऐसे कर का भुगतान उस व्यक्ति से ही वसूला जाएगा जिसके ऊपर वो कर टैक्स इम्पोज किया गया है। और इसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स या तत्काल प्रभाव को कर के प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अल्टीमेट इफेक्ट का मतलब होता है कि कह सकते हैं वैकल्पिक प्रभाव या अंतिम प्रभाव। तो ये जिसके ऊपर कर टैक्स लगाया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति को क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो यह कर दूसरे व्यक्ति से वसूल किया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में जो कर का अधिरोपण है, कर के अंतिम प्रभाव को कर की घटना के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, आप याद रखेंगे, अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ टैक्स इज आल्सो नोन एज इंसिडेंट ऑफ टैक्स। तो ये आप एक लाइन में याद कर लेंगे कि ये टैक्स क्या है। उसके बाद मैं आपको इसका इम्पैक्ट बता दूँ कि क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, इम्पैक्ट में आपको केवल दो लाइन अगर आप याद कर लें कि कर का प्रभाव और घटना एक ही व्यक्ति पर है, कर का बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर ट्रांसफ़र या वसूल नहीं किया जा सकता है, इसे ही डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति पर हम टैक्स लगा रहे हैं उसके अलावा हम किसी और पर वसूल नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया आयकर और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए भूमि और भवनों पर कर यानी स्टाम्प शुल्क। यदि कर का प्रभाव एक व्यक्ति पर पड़ता है और कि कर की घटना दूसरे व्यक्ति पर होती है, तो जो टैक्स का बर्डन है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है या किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जा सकता है या किसी और के द्वारा भी रिकवर किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य सरकार द्वारा लगाया गया वैट। तो वैट को भी वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी मैं वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी में भी आपको दो तीन लाइन में अंतर अभी आगे के वीडियो में बता दूंगी। तो जो अप्रत्यक्ष कर होता है जिसे करदाता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो किसी और पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जहाँ अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वैट आदि, और अब क्या हो गया, जीएसटी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए, केंद्र सरकार ने जो इंट्रीज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों करों को लगाया,
संघ सूची में मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से हैं डायरेक्ट कर टैक्सेस, कौन कौन से होते हैं टैक्सेस लीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको यूनियन लिस्ट में मैं आपको बता दूं कि दो टैक्स हैं डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सी इंट्री पढ़ेंगे आप, इंट्री नंबर 82, इंट्री 85, इंट्री 86। तो इंट्री 82 में क्या है, टैक्सेस ऑन इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर, और इंट्री 85 में कॉरपोरेशन टैक्स, और इंट्री 86 में टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स वेल्थ टैक्स। तो आपको इतना याद हो गया होगा जो मैंने आपको बताया, 82, 85 और 86। तो डायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात आ गई, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या याद करेंगे, 83, 84, 92A, 92B, 92C, 97। तो ये आपको देख रहे होंगे कि मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड है, तो आप याद कर लेंगे कि इंट्री 83 है, 84, 92A, 92B, 92C और 97। तो ये आप सारी इंट्रीज याद कर लेंगे और इसमें देख लेंगे कि सारे टैक्सेस के बारे में लिखा है। जैसे अभी एक एग्जांपल भी पढ़ दूँ कि इंट्री नंबर 92 में क्या लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड, इंट्री नंबर 92C में क्या लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन सर्विसेज। तो ये सारे टैक्स आप याद करेंगे, और इसमें एक लाइन आप याद रख लेंगे कि इन अदर वर्ड्स इंट्री नंबर 97 इज़ ए रेसिडरी पावर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स आल्सो प्रोवाइड द मैटर इज़ नॉट इमरेटेड इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3 ऑफ द 7th शेड्यूल। तो बिल्कुल एक लाइन में आपको आप याद कर लेंगे इस चीज़ को कि इंट्री नंबर 97 में शामिल क्या नहीं किया गया है, कि बताया गया कि इंट्री संख्या 97 केंद्र सरकार को कर लगाने के लिए दी गई एक रेसिडरी पावर है, अवशिष्ट शक्ति है, बशर्ते कि मामला 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में शामिल नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपने लिस्ट याद कर ली, इंट्रीज याद कर लिया कि किस किस इंट्री में क्या दिया है। तो राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर राज्य सूची, राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कुछ कर और महत्वपूर्ण कर हैं जो लिस्ट 2 में निहित किए गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स होते हैं। तो इसमें भी कौन कौन से हैं वो भी आप याद कर लेंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंट्री नंबर 46 टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, इंट्री नंबर 49 टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कर ये आप याद रख लेंगे कि कौन कौन से इंट्रीज हैं। अब कुछ इंट्रीज मैंने लिखी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो आप लिख सकते हैं कि इंट्री नंबर 51, इंट्री नंबर 52 और इंट्री नंबर 54, इंट्री नंबर 60 और इंट्री नंबर 63। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा एक बार, ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी को क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, जो किसी वस्तु या सर्विस पे लगाया जाता है। इसमें हर गुड और सर्विस का टैक्स पहले से निश्चित होता है और इसके बीच में कोई भी किसी प्रकार की धांधली नहीं कर पाता है। इसके द्वारा मिला गया सारा टैक्स देश के हित के लिए सरकार के पास जाता है। इसमें कोई भी दुकानदार हमसे कितना भी पैसा नहीं ले सकता है, इसकी एक सीमा होती है जो पहले से ही निश्चित कर देती है सरकार के द्वारा। तो चलिए अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि जीएसटी बहुत लंबे इंतजार के बाद लागू किया गया। असल में ये एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म है जिसके लिए गंभीर कोशिशें शुरू की गई थी, लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए हिस्ट्री में तो 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले इसे लागू किया गया था, और आज दुनिया के 150 से अधिक देश इसे लागू कर चुके हैं, और जीएसटी बहुत सब देश 150 देश कर चुके हैं, तो और भी देश और आगे करेंगे। तो कह सकते हैं कि जीएसटी और एक देश एक टैक्स के एक ऐसे सिद्धांत की तलाश कर रहा था कि जहां पर सबके लिए एक समानता हो। तो वैट और जीएसटी में अंतर भी होता है, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो चलिए वैट और जीएसटी में अंतर भी बता दूं कि जीएसटी जो होता है वो गुड एंड सर्विसेज टैक्स है और वैट वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी को एक निश्चित प्रतिशत में ही लगाया जाता है, जबकि वैट कितना भी लगाया जा सकता है। जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवा को पहले से ही निश्चित की जाती है, जो रसीद में लिख दी जाती है इसका कितना प्रतिशत लगाया गया है, लेकिन वैट में हम नहीं बता पाते कि कितना टैक्स लगाया गया है। जीएसटी पूर्णतः ऑनलाइन है, वैट ऑफलाइन है। जीएसटी ग्राहकों के लिए अच्छा है, वैट जो है दुकानदारों के लिए अच्छा है। जीएसटी में ग्राहकों के साथ पारदर्शिता बनी रहती है, जबकि वैट में नहीं बनी रहती है। जीएसटी में आया हुआ सारा पैसा सरकार को देश के हित के लिए सरकार को मिल जाता है, जबकि वैट में नहीं मिल पाता कि ग्राहकों से कितना लिया गया और सरकार को कितना वापस किया गया है। तो वैट और जीएसटी में आपने अंतर भी समझ लिया, और जीएसटी के लिए काउंसिल का गठन किया गया था। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जीएसटी काउंसिल के गठन को मंजूरी दी थी।
और मोदी कैबिनेट ने जीएसटी काउंसिल के गठन और इसकी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में काउंसिल का उस समय गठन हुआ था और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य थे। तो ये काउंसिल मुख्य रूप से जीएसटी की रेट पर फैसला लेती थी, जो इसके बिल में एक अहम शर्त भी थी। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा काउंसिल कैसे लेती है, काउंसिल का काम क्या है। तो जीएसटी के चार तरीके के टाइप्स होते हैं, वो भी याद कर लेंगे आप फटाफट। मैं आपको बता दूं कि सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी का मतलब फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो भारत में कुल 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विसेज टैक्स। और चौथा जो है आईजीएसटी और इंटीग्रेटेड टैक्स, तो आप ये भी याद रख लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस और भी कर दूंगी कि किस तरीके से जीएसटी का भुगतान किया जाएगा, कैसे कैसे और क्या चीज़ें की जाएंगी। तो टैक्स को देखिए, एक निश्चित रेट, एक मुश्त टैक्स पेमेंट और 3 महीने में सिर्फ एक रिटर्न, ये खूबियाँ इसे जीएसटी को कंपोजिशन स्कीम को बहुत पॉपुलर बनाती हैं। तो आज हमने देखा कि जीएसटी क्या है, जीएसटी कौन किस तरीके से होता है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार करने वाला इंटर स्टेट ट्रेडर्स और सप्लायर्स है। जीएसटी की छूट वाले सामान का कारोबार करने वाला, तो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता है, ये भी बता दिया मैंने आपको कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार करने वाले जीएसटी की छूट वाले सामान का कारोबार करने वाले ये लोग नहीं ले पाएंगे स्कीम का फ़ायदा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपको